गुजरात में सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे दो टॉर्पीडो मारे। जीएसटी पर जुमलेबाजी करने वाले राहुल गांधी आर्टिकल 35 पर अलगाववादियों और कश्मीरी नेताओं की धमकियों पर खामोश क्यों हैं? अगर आईन के तहत बात करना और आईन से ही कुछ हासिल करना एंटी नेशनल है तो हम ये एंटी नेशनल का दर्जा जो है बहुत शान से पहनेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। आर्टिकल 35 या आर्टिकल 370 जो है ये कोई हमने इजाद नहीं किया है या फारूक अब्दुल्ला साहब ने इजाद नहीं किया है, ये एक नेशनल कमिटमेंट है और उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये हक नहीं है, ये आवाम को हक है, जिस वक्त आवाम फैसला करेंगे। नोटबंदी पर देशव्यापी हंगामा करने वाली कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पी चिदम्बरम की कश्मीर की आजादी की मांग पर अब तक चुप क्यों है? We should seriously examine that question and consider on what areas we can give autonomy to Jammu and Kashmir. Congress party, beshrami ke saath us bhasha ka prayog kare jo Kashmir ki dharti par angrezi karte hain, us bhasha ka prayog kare जो पाकिस्तान में बोला जाता है। क्या चिदम्बरम साहब ने गलत बयान दिया कि नहीं दिया? नहीं नहीं, जरा भी नहीं गलत बयान दिया चिदम्बरम साहब ने, जो बोला ही ठीक ही बोला है। अगर वो इसलिए क्योंकि वो आपके सीनियर लीडर हैं और आप बचाव कर रही हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने उसको सस्पेंड करना चाहिए। अगर ये आदमी भाजपा में होता तो सस्पेंड हो गया था, भाजपा की कोई। गुजरात में ISIS के पटेल कनेक्शन पर जी न्यूज के खुलासे के बाद भी राहुल ने आतंकवाद पर कुछ क्यों नहीं बोला? हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे दो अलग अलग धुरी के युवा नेताओं के साथ गुजरात चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी कांग्रेस क्या गुजरात के OBC और पाटीदारों से करेगी विश्वासघात? आपने 20% आरक्षण की बात की, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने की अच्छी बात, लेकिन संविधानिक आधार को उसको कैसे रखा जाता है, उसको खारिज तो नहीं किया जाएगा ना? कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है, 49% रिजर्वेशन जो है उससे उसको कुछ छेड़ा ना जाए। मैं अनामत हूँ यार, OBC में नहीं आता हूँ, मैं जो पढ़ाई करता हूँ उसका जो मेरे को ज़्यादा परसेंटेज आते हैं तो मुझे इसके अनुसार जो सीट मिलनी चाहिए, जो मेरे कैटेगरी मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिलती। गुजरात में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बच्चे हैं। विकास ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। पाटीदारों को आरक्षण और गुजरात के लोगों को आतंकवाद मुक्त गुजरात की गारंटी कौन देगा? बच्चों के जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है और वो भी एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकत। 7:55 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गेम ऑफ गुजरात में। इस वक्त हम मौजूद है राजकोट में। राजकोट महात्मा गांधी का सबसे प्रिय शहर, यहाँ पर महात्मा गांधी का बचपन बीता। पॉलिटिकली देखिए तो राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर रूपाणी का गढ़ है राजकोट, और ऐसे में ये वही राजकोट जहाँ कांग्रेस के नीति बनाने वाले नेताओं में से एक पी चिदम्बरम साहब बयान देते हैं और ये कहते हैं कि जब कश्मीर के लोग आजादी की मांग करते हैं तो उसका मतलब ऑटोनॉमी होता है। और इस बीच जी न्यूज की खबर जिसमें ये खुलासा था कि गुजरात में ISIS का एक आतंकी पकड़ा गया, उस अस्पताल से पकड़ा गया जिस अस्पताल में एक टाइम पर एक वक्त पर ट्रस्टी रहा किया करते थे वहां के दिग्गज नेता कांग्रेस के अहमद पटेल। तो ऐसे में आज की तारीख में सवाल यही है, क्योंकि आज आर्टिकल 35A पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अब वो 8 हफ्तों के लिए टल गई है। तो अब क्या गुजरात में सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी या इस मुद्दे पर भी वाकई किसी तरह की कोई बातचीत होने वाली है,
इस पर वोटिंग होगी, ये मुद्दा सेंटर में रहने वाला है। इसी पर बातचीत करने के लिए राजकोट की जनता हमारे साथ मौजूद है और खास मेहमान भी। तो राजकोट की जनता का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो जी न्यूज पर। केम छो राजकोट, बहुत ठंडू छे, केम छो राजकोट, ये हुई ना राजकोट वाली बात। तो मुझे ये बताइए, एक कलेक्टिव रिस्पांस आपसे मैं लेती हूँ जो कि हम हमेशा शुरू में करते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी आपके साथ मौजूद हैं। विशाल, क्यों ना एक बार सबसे पूछ लिया जाए कि सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है या बाकी सारे मुद्दे, उससे पहले मैं जरा दर्शकों से इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो खास मेहमान हमारे साथ है। गायत्री बा वाघेला जो कि कांग्रेस की लीडर है, स्वागत कीजिए जोरदार तरीके से। राजेंद्र धारैया साहब बीजेपी के नेता है हमारे साथ। हरीश जंकार साहब रिटायर्ड डिप्टी एसपी है गुजरात पुलिस के, इनका आज होना बहुत जरूरी था क्योंकि सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ सुनील जोशी साहब भी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। तालियों में गर्माहट नहीं है, बहुत शानदार। क्यों ना विशाल शुरुआत आपसे की जाए। आप बताइए, क्या आप खड़े भाई, क्या नाम है आपका? सुरक्षा यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है? सुरक्षा तो ठीक है, पिछले घंटों पिछले दो तीन महीनों में जीएसटी है, नोटबंदी है एक साल से, वो भी रहेगा साथ में। जोर से थोड़ा आवाज नहीं आई हमें। चलिए, ये कह रहे हैं कि सुरक्षा, जीएसटी और नोटबंदी तीनों रहने वाला है, आप खड़े हो जाएंगे? आप क्या नाम है आपका? जयेश। सुरक्षा यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है गुजरात चुनाव में? देखिए, सुरक्षा तो पहले से ही, आज से नहीं, आजादी के बाद से सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जवानों के साथ जो भी खाने में हो रहा है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। दो दो तीन तीन लोग जवानों के हम लोगों को मोदी साहब को लिख के दे रहे हैं, उसको खाने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो भी एक सुरक्षा है ना, उसकी बात तो नहीं हो रहा। तीन महीने से कुछ बात इसके बारे में हुई है, वो जवान बाकी क्या हुआ उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। वालों को लेकर भी आप सवाल यहाँ पर कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है गुजरात चुनाव? सुरक्षा जो अभी बात आप कर रहे हैं वो गैर मार दौड़ने की बात है। सुरक्षा पूरे पूरे हिंदुस्तान में सब लोग सुरक्षित है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यह गैर मार्ग दौड़ने की बात है, चुनाव का इश्यू बनाने के लिए है। ठीक है, अब मैं एक साथ विशाल सबसे एक बार पूछ लेती हूँ, क्या सुरक्षा बड़ा मुद्दा है या दूसरा कोई मुद्दा बड़ा है? देश की सुरक्षा सर्वोपरि, एक साथ बोलिए। आप कह रहे हैं नोटबंदी और जीएसटी, नोटबारी, आपको ये लग रहा है कि नोटबंदी जो है वो सबसे बड़ा है मुद्दा? रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, चलिए चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। गायत्री बा, राहुल गांधी जीएसटी पर ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, एक के बाद एक पॉइंटर्स गिनाते हैं राहुल गांधी, लेकिन उस वक्त सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, पी चिदम्बरम के बयानों पर सफाई नहीं देते हैं, यहाँ पटेल कनेक्शन या ये कहिए अहमद पटेल से आईएसआईएस उस आतंकी अस्पताल और ये सारे कनेक्शन होते हैं, तब वो कुछ नहीं कहते हैं। उनको कुत्तों से खेलने का समय तो मिल जाता है, वो वीडियो ट्वीट करने का समय मिलता है, लेकिन सुरक्षा पर कुछ कहते समय नहीं बनता। ऐसा नहीं है, जब भी राहुल जी को कुछ भी प्रश्न किया गया है वो तुरंत ही उनका जवाब जो है वो दे ही देते हैं। और जब आप अहमद पटेल जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला ही है कि जो हॉस्पिटल जो है वहाँ के ट्रस्टी है वो वहाँ के है ही नहीं, तो फिर आप लोग ऐसे बोलेंगे कि अहमद साहब का जो हॉस्पिटल है वहाँ से ही ये त्रासवादी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, तो उनका तो उसमें कुछ हाथ ही नहीं है, तो कैसे अहमद साहब भी आपको ऐसे बोलेंगे कि हाँ क्या है। लेकिन उन्होंने अपने सफाई ही बोल दिए। अगर ये भाजपा की सरकार है तो उनको देखना है कि वो बोल रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप उन्होंने बोला ही है कि जो अगर ये है ये लोगों को गुनाहित है तो आप उसको फांसी पे चढ़ा दो, हम नहीं बोलेंगे। तो जो लोग अपना अपना जो अस्तित्व ही वहाँ नहीं है तो वो कैसे बोलेंगे। चलिए, अहमद पटेल का आप यहाँ पर बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी चुप क्यों हैं? अभी तो आपके अलमदार वही है ना। और दूसरी बात, यही राजकोट है जहाँ पर पी चिदम्बरम ने कश्मीर में आज़ादी के मसले पर उन्होंने कहा कि इसका आज़ादी का मतलब ऑटोनॉमी है, क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं? हाँ, जीएसटी जैसे ही लागू किया है सब लोग देखते हैं कि बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई, अभी छोटे छोटे जो व्यापारी है वो लोग भी। गायत्री, जीएसटी नहीं, मैं आर्टिकल 35A की बात कर रही हूँ, मैं आर्टिकल 370 की बात कर रही हूँ जो कश्मीर का बहुत अहम और नाजुक मुद्दा है
उस पर पी चिदम्बरम यहाँ राजकोट में बोलते हैं। राजेंद्र जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर जो बात है, हमारा सब पिछला 50 साल से जनता की एक डिमांड है, एक लागनी है कि कश्मीर हमारा सर का मुगट है। अगर भारत देश महान है तो कश्मीर हमारा मुगट है। चिदम्बरम जी ने जो बात की कि भाई कश्मीर को आज़ादी दे दो, पाकिस्तान को सौंप दो, उसकी वहाँ सरकार सेपरेट कर दो, नहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उसका इनडायरेक्ट उन्होंने ऑटोनॉमी ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। फैक्चुअली नहीं, हमें एक मिनट, सच्चाई पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने आज़ादी देने की जो बात की उसका मतलब आज़ादी का मतलब ऑटोनॉमी है, विशेष अधिकार जो वो पहले से रखा करते थे वो विशेष अधिकार। हालांकि हम ये कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं अलगाववादियों को समर्थन करने वाला बयान है, लेकिन वो पाकिस्तान को सौंपने वाली बात है, सौंपने वाली बात। पाकिस्तान की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि अगर जो अलगाववादी परिबल है वो स्ट्रोंग होगा, अगर वो यहाँ ऑटोनॉमी दी जाएगी तो क्या होगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल 10 साल के बाद कश्मीर की हालत क्या होगी, चिदम्बरम जी की क्या है, उसकी नीति क्या है, उसकी इच्छा क्या है? मेरे ख्याल से कांग्रेस ने उसको सस्पेंड करना चाहिए। अगर ये आदमी भाजप में होता तो सस्पेंड हो गया था। भाजप की कोई भाजप की कोई व्यक्ति ऐसा सोच नहीं सकता, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा सोच नहीं सकता कि जिस वजह से हजारों शहीद हुआ है, जिस वजह से पिछले 50 साल से एक मिनट मैडम लड़ाई लड़ी जाती है, उसको ऑटोनॉमी दी जाए और अलगवादी परिबल को बढ़ावा मिल जाए। आपको ये लगता है कश्मीर वाला वो मुद्दा यहाँ राजकोट की जनता याद रखेगी, ये बयान याद रखेगी? मैडम ये तो राष्ट्रवादी जनता है, क्यों नहीं रखेगी? गायत्री आपको क्या लगता है, याद रखेगी? राष्ट्र प्रेम की बात है। क्या चिदम्बरम साहब ने गलत बयान दिया कि नहीं दिया? नहीं नहीं, जरा भी नहीं गलत बयान दिया चिदंबरम साहब ने, जो बोला ही ठीक ही बोला है। अगर वो इसलिए क्योंकि वो आपके सीनियर लीडर हैं और आप बचाव कर रही हैं। नहीं, बचाव नहीं कर रही है। आप ही देखो, अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो कैसा अर्थतंत्र हमारा कैसा है, तो इसके लिए मैं उनकी आप बोल रहे हैं कि आपके नेता है इसलिए सुरक्षा को आप इकोनॉमी से कैसे जोड़ सकती है, मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन जंकार साहब ये बताइए, आप तो पुलिस का अभिन्न अंग यहाँ पर रहे हैं, जब यहाँ की जनता, देखिए विकास तब होगा जब सुरक्षा होगी, ये दोनों एक दूसरे के ये कहते पूरक है, तो क्या गुजरात की जनता देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, इसे बहुत अहम मुद्दा बनाकर इस बार वोट करेगी क्या? करना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको सोचना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा ही अपने जीवन में, जब आदमी खुद सुरक्षित रहेगा तो वो आगे बढ़ सकता है। एक आदमी पड़ोस से भी डरता है तो वो भाग जाता है, पुलिस के पास आता है, दूसरी जगह आता है। पूरा गांव सुरक्षित होना चाहिए, शहर सुरक्षित होना चाहिए और पूरा देश सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षा के खिलाफ जो भी लोग कोई गलत कदम उठाते हैं, गलत निवेदन देते हैं, उसके हम खिलाफ है। पुलिस की तरह से हम देखते हैं तो अभी 10 साल से गुजरात में कोई ऐसा बड़ा आतंकवाद का बनाव नहीं बना है। अगर वो हमें कायम रखना है, देश की सुरक्षा करना है, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो अलगाववादियों को, कहलाने वाले मानवतावादियों को, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमें दबा देना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है सुनील जोशी साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, राजकोट में आकर पी चिदम्बरम का इस तरीके का बयान देना क्या समझाता है? मेरे ख्याल से राजकोट नहीं, देश में कहीं भी ऐसा बयान जो हमारी मुख्य धारा है, देश की मुख्य प्रवाह है, जहाँ सैनिकों शहीद होते हैं हमारे लिए, तो ऐसा बयान ना होना चाहिए कि हमारी स्पिरिट पर ठेस लगे, देश की स्पिरिट पर ठेस ना लगनी चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स भी ना होना चाहिए। ये राष्ट्र भावना का मुद्दा है और राष्ट्र भावना आती है तो सबसे ऊपर। तीन पैनलिस्ट यहाँ पर खड़े हैं और तीनों का ये मानना है कि राष्ट्र सुरक्षा को लेकर या राष्ट्र की अखंडता को लेकर अगर किसी तरीके का बयान गलत आता है तो उसका खंडन करना चाहिए। आपकी क्या मजबूरी है? पी चिदम्बरम साहब आपके सीनियर लीडर है, नीति बनाने वाले लीडर है। सर एक पॉइंट यहाँ से आया है, पीडीपी की गवर्नमेंट के साथ आपके साथ होनी ही नहीं चाहिए। हाँ बताइए सर, जवाब दीजिए, एक सेकंड, जवाब ले लीजिए। मेरे ख्याल से राष्ट्रद्रोह का मामला है, राष्ट्र की एक सेकंड सर, एक सेकेंड, राष्ट्र की, अपने सवाल का जवाब ले लीजिए ना सर, अब बस बस सर, बस शांति एकदम। राष्ट्र की गरिमा का खंडन हुआ है,
मेरे ख्याल से राहुल गांधी को जरूर उसका विरोध करना चाहिए, अगर उसके उसने दिल में कोई राष्ट्रीय भावना है तो। अच्छा राहुल गांधी क्यों चुप है गायत्री, राहुल गांधी क्यों चुप है? नहीं वो आपने उसको राहुल गांधी जी को पूछा ही नहीं होगा, अगर आप अपने माध्यम से पूछेंगे तो वो पूछा जरूर ही जवाब देंगे। उन्होंने कुत्तों से खेलते हुए एक वीडियो ट्वीट कर दिया, नहीं ऐसा है ही नहीं, आप अगर बोलेंगे तो वो राहुल जी तुरंत ही जवाब देंगे ही। मैं बोलती हूँ मुझे पता है, क्योंकि आपने ऐसे उसको ध्यान नहीं, आपकी 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 श्रद्धा किस पर है, राहुल गांधी पर आपकी जो अटूट श्रद्धा है या पी चिदम्बरम पर कि आप इस बयान का खंडन नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं है, जो भी लोग अगर ये अपने अपने हिसाब से जो बोलेंगे वो उनको जो सही लगा वो ही बोला होगा ना, और अगर देश की बात है तो उन्होंने जो बोला कि इतने साल से जो अपने वो मंत्री थे और रहे हैं और ये जो अपना काम जो परिपूर्ण कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से अच्छे ही है। और अच्छा मुझे ये बताइए गायत्री बा, ठीक है आपको लगता है राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा नहीं रहेगा तो फिर इस बार मुद्दा क्या रहेगा गुजरात में विकास का? जो विकास ये भाजपा की सरकार बोल रही है कि यहाँ हमने गुजरात में विकास किया है, तो ये है वो विकास का मुद्दा है। सुरक्षा आप बोल रहे हैं तो महिलाओं की सुरक्षा का है, ये सब तरह से आप बोले कि तो गुजरात में सब लोग, ये खेडूत है या गृहिणी है या व्यापारी, ये सब लोग परेशान है, तब वही या विकास का ही मेन मुद्दा रहे। अच्छा तो विकास एक बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है, विकास एक बिल्कुल मैं पूछ लेता हूँ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चौहान है। विकास यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है गुजरात चुनाव में? विकास ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा, कोई भी लोग भी बोले विकास ऐसी चीज है, सड़क पे एक गड्ढा देखने से विकास रोक नहीं जाता, विकास निरंतर चालू है। ठीक है सर, विशाल मुझे महिला पीछे, मुझे महिला पीछे, आप बैठिए ना, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए ना, सबके पास आएंगे, सब बैठ जाइए, हो गया आपका? बताइए, एक मिनट बैठिए, आप सबके पास आएंगे, आपके पास दोबारा नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे सर। विकास विकास है वो सबसे बड़ी चीज है भारत भाजपा पक्ष की, वो पूरे देश को सुपर पावर बनाने का सोच रहे हैं। भाजपा से ही ये देश सुपर पावर बनेगा। ठीक है विशाल, एक और महिला वहां पर है। राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा रहेगा, भाजपा है वो बेरोजगारी को दूर करके रोजगारी बना। ठीक है विशाल, पूछ लेते हैं, वहाँ एक महिला है जो काउंटर करना चाह रही है। मैं एक बार यहाँ विशाल, विशाल यहाँ, हाँ ये महिला है जो बात, हाँ क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ पर, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा या जातिवाद? रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और आप जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए किसी अस्पताल का उद्घाटन करना वो कौन सा गुनाह हो गया? अगर आप अहमद जी को आप गुनहगार ठहरा रहे हो तो मोरारी बापू भी गुनहगार हो सकते हैं, तो और आप सुरक्षा की बात कर रहे हो तो ऐसे बहुत से। अच्छा इसमें कांग्रेस बीजेपी मत देखिए, एक सेकंड, एक बार के लिए आप समर्थक से ज्यादा, एक सेकंड कांग्रेस बीजेपी मत देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, बिल्कुल क्लियरली आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, आपका जोश मेरे समझ में आ गया, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, एक ग्लास पानी पीजिए और बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। एक आम नागरिक के नाते मुझे ये बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है कि नहीं? एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, राष्ट्र की सुरक्षा मुद्दा नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा मुद्दा नहीं है? आप चुप्पी क्यों साध ली आपने? विशाल यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जी, बताइए, आप बताइए क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गुजरात चुनाव में मुद्दा रहने वाला है? मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ये गुजरात में तो कोई सुरक्षा की बात ही नहीं, 13 साल से सब आप बहन जी रात को 12 बजे स्कूटर में सारे गुजरात के कोई भी शहर में चल सकते हैं। यार राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किया तो वो तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता ना, हम गुजरात की बात कर रहे हैं। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सुनिए
राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा आप ले रहे हैं उसमें गुजरात में इम्पैक्ट है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। गुजरात में जब भी इलेक्शन आते हैं तो कहीं से गुजरात में 5-10 आतंकवादी आ जाते हैं और इलेक्शन खत्म होते ही वो आतंकवादी कहाँ चले जाते रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही है। क्या ये सही मैं मानता हूँ कांग्रेस के मित्रों से मेरी अपील है, आप कांग्रेस के मित्रों से अपील है, ये राजकोट की गरिमा का प्रश्न है और आप हार गए, हार इतनी तरह से पचा नहीं पाते। मैं मानता हूँ चिदम्बरम ने बोला है कांग्रेस ने आज तक राष्ट्र के साथ खिलवाड़ी किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है ही। कांग्रेस वालों ने जिस तरह से कश्मीर का प्रश्न उठाया है कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, मैं मानता हूँ ये कांग्रेस का पाप है। बिल्कुल, हम एक युवा का सवाल ले लेते, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? रोजगारी के लिए सवाल है, रोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? देखो भाई, रोजगारी के लिए बोलो। रोजगारी एक अहम मुद्दा है, ठीक है, रोजगारी एक अहम मुद्दा है, रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है। मेरे ख्याल से जो मुद्दा होगा और पब्लिक ने जो मुद्दा समझ रखा है, यह जो भीड़ है और जो हवा हो रही है हम सब पहचानते हैं, सबको, आप भी पहचानते हैं, ये पब्लिक की आवाज है या नहीं है उसकी चर्चा नहीं है। नहीं, सीधे सीधे बोलिए ना, ये कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता है और वो लोग एक मिनट, मैं सबको पहचानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात ये है, पहले मुझे सुन लो, फिर आपको जिसको बोलना है बोलो, मुझे सुन लो। लोकशाही है तो हमारा भी राइट है बोलने का, हमने, मुझे सुन लो। अभी जो मुद्दा होगा नंबर वन, कि नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व विरुद्ध राहुल गांधी का नेतृत्व, कोई कल्पना कर सकते हैं? कोई कल्पना कर सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी के सामने राहुल गांधी का नेतृत्व क्या है? सर कल्पना कहाँ, आप तो दिख रहा है वो। दूसरा मुद्दा ये है कि विजय भाई रूपाणी के सामने अहमद पटेल, विजय भाई रूपाणी के सामने अहमद पटेल। सर यहाँ पर हम यहाँ डिस्कशन कर ले, वो भाई साहब को बोलिए पास में। हाँ सर, पहला मुद्दा ये है नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व के सामने राहुल गांधी का नेतृत्व, दूसरा मुद्दा ये है। सर अगर ऐसा है तो रूपाणी राजकोट में ही इतना विरोध क्यों झेल रहे हैं? कोई जगह विरोध नहीं है। ये आवाज क्या बता रही है? 100% विरोध नहीं है। आज मुख्य प्रधान राजकोट में है, आज विजय भाई रूपाणी राजकोट में है, उसने भाजपा का कार्यकर्ता सब उसके कार्यक्रम में है, कोई जगह विरोध नहीं है। राजकोट की हर एक जनता इतनी है कि विजय भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। सुनील जोशी साहब, जमीनी हकीकत क्या है जरा ये बताइए। पहले मैं आपको, दर्शकों को तो ये बता दूं कि कुल 182 सीट गुजरात की है, उसमें से बीजेपी ने 57 कांग्रेस की छोड़कर बाकी की सब बैठक ली थी। ये 12 का था, 2012 का ये रिजल्ट था। 182 से 57 थी वो कांग्रेस की थी। अब जमीनी हकीकत बदल रही है थोड़ी सी, उसमें GST और नोटबंदी दो मेजर है, क्योंकि गुजरात है वो एंटरप्रेन्योर ट्रेडर का ये स्टेट है, यहाँ हर घर से एक आदमी निकलता है और व्यापार धंधा करता है, तो ये एक मुद्दा है, ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सब साथ में रहेंगे।